प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर पीएम आवास संघर्ष समिति ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर नीमच नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले कई गरीब परिवार के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की मांग के संबंध में ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। ज्ञापन में मांग की गई उनके द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के लिए नगर पालिका से आवेदन दिया गया था। इस संबंध में आवश्यक शुल्क भी उन लोगों ने जमा किया था, मगर आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनकी हालत ऐसे नहीं है कि वो किराए के घर में रह सके, अतः तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास सभी हितग्राहियों को स्वीकृत किए जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति के उमराज सिंह गुर्जर, मुकेश कालरा, ओम प्रकाश शर्मा, मोहिद्दीन खान, आरिफ कुरैशी, अफसर खान और डॉक्टर वर्मा मौजूद रहे। नीमच के अंदर गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी भी नहीं बना सकते, इतनी भी जगह नहीं है। नीमच नगर पालिका के पास बहुत जगह है और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित करी गई जगहों को भी किस तरह से किस षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो है खत्म कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास की जगह की योजना को सिलेंडर कर दिया गया है। और ये लोग 40-40 हज़ार रुपये 6-6 साल से जमा करके और इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये लोग जो मकानों का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको मकान दिए जाए। योजना किस कानून के तहत सिलेंडर कर दी गई है, और अगर योजना सिलेंडर कर दी गई है तो उसके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। इनको कहीं मकान बना के दिया जाए, इसी योजना को शुरू किया जाए, कहीं प्लाट दिया जाए, कुछ तो इन गरीब लोगों के साथ सहानुभूति सरकार को रखनी चाहिए। क्या नाम है? तो आज से 4 साल से 40-40 हज़ार रुपये जमा कराने का एग्रीमेंट किया गया। कोई भी मकान निर्माण करने में 6 महीने साल भर से ज़्यादा ही लगता है और शासन के निर्देश भी है, फिर भी इनको 4 साल हो गए और 4 साल बाद बने बनाए मकान सरेंडर किए जाते हैं सरकार के पास, उनको आवंटित होने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये हितग्राहियों के साथ घोर अन्याय है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे कालरा जी, हमारे महामंत्री ओम शर्मा और कांग्रेस के सब लोगों ने मामला उठाया, सब हितग्राहियों के साथ यहाँ की बात उठाई है कि इनको शीघ्र ही कहीं कहीं आवंटित किए जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। और ये न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाए, और सरकार के द्वारा इनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है।